हेलो गाइस, रत्नेश प्लीज लाइट ऑन कीजिए। लाइट ओके। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम लाइव हियर फॉर अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ डॉक्टर आरवी टॉक्स। एंड दिस इज आवर मिशन हेल्दी माइंड हेल्दी इंडिया कैंपेन। ये जो रोज मैं लाइव आ रहा हूँ, जो एक सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन या कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे एक नए सामाजिक अभियान के तहत है। इस सामाजिक अभियान का नाम है स्वस्थ मन स्वस्थ भारत अभियान। जैसे कि आप लोग जानते हैं एंड यू विल एग्री विथ मी, आप भी मुझसे सहमत होंगे कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहता है। मन में गड़बड़ है तो वो देर सवेर शरीर पे रिफ्लेक्ट होती है। हमारे माइंड में अगर कुछ निगेटिव चल रहा है तो हमें ज़रूर फर्क पड़ता है। आप कहेंगे क्यों फर्क पड़ता है अगर कुछ निगेटिव चल रहा है तो? क्योंकि अगर हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो भी हमें फर्क पड़ता है, राइट? सो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, थॉट्स हमारे माइंड पे इफेक्ट करते ही करते हैं, ये सब मानते हैं। लेकिन देर सवेर एक क्वेश्चन ऐसा है, एक सवाल ऐसा है जो मुझे बार बार पूछा जाता है। काफ़ी बार कोई ना कोई पेशेंट कहीं ना कहीं, कभी फेसबुक कमेंट पे, कभी यूट्यूब पर, या कभी जब डायरेक्टली कोई मेरे सामने होता है तो ये सवाल उसे बार बार आता है उसके दिमाग में कि माइंड का रिलेशन बीमारी से है, ये समझ में आता है। लेकिन जीन्स का रिलेशन बीमारी से है, ये समझ में नहीं आता। सर ये कैसे? तो मैंने ये पॉइंट मैं काफ़ी बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ, शायद काफ़ी बार नहीं बट कुछ बार डिस्कस कर चुका हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे भी इसके बारे में मैंने पोस्ट किया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाते हैं, डॉक्टर रवि वैरागड़े नाम के आगे प्रेस करते हैं कि हाउ जीन्स कॉज डिसीज, तो आपको इसके काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। बट आज मैं चाहता हूँ इसको और थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करूँ, ताकि ये डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, राइट? सो चलो चलते हैं कि देखते हैं कि जीन्स किस हद तक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, राइट? उसके पहले बोल दूं कि आप जो भी इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, आप ज्वाइन होते ही एक गुड इवनिंग लिख दीजिएगा। सो मेरी तरफ से आपके लिए गुड इवनिंग अभी से दे रहा हूं मैं आपको, और आपका गुड इवनिंग आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन है, राइट? देन इसके साथ कोई सवाल होगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं तो मैं जवाब दूंगा। बिकॉज जब हमने ये सोशल मिशन डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि हमें कभी कभी लाइव में ज़्यादा समय लगेगा, चलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवालों का जवाब देने के बाद इस लाइव को बंद करेंगे, राइट? सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं कि जीन्स किस तरह से हमारे बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, राइट? जैसे कि आपको पता है कि आप एक समय एक छोटा सा डॉट थे, एक छोटा सा सेल थे, राइट? एक छोटा सा सेल थे, दो सेल्स का मिश्रण होकर एक सेल बना था, राइट? यस मिस्टर राजेंद्रन, गुड इवनिंग। तो दो एक स्पर्म और ओवम का मिलके एक छोटा सा सेल बनता है, वो सेल एक डॉट से भी कई गुना छोटा होता है, एक डॉट से भी वो कई गुना छोटा होता है, और उस छोटे से डॉट से भी कई गुना जो छोटा सा डॉट है, सेल है, उसमें से वो सेल मल्टीप्लाई होते हैं और आप जैसी एक पर्सनैलिटी, पूर्ण रूप से वेल ग्रोन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये एक छोटे से डॉट में से एक वेल ग्रोन पर्सनैलिटी कैसे बनती है, कौन गाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि ये पर्सनैलिटी खड़ी ग्रो होगी, आड़ी तिरछी नहीं होगी, गोल ग्रो नहीं होगी, या इसका शेप ऐसे रहेगा, इसके नाक नक्श ऐसे रहेंगे, इसके कान ऐसे रहेंगे, इसके बाल ऐसे रहेंगे। सो कहीं ना कहीं इसे हर स्टेप पे गाइडेंस तो मिल रहा होगा, राइट? तो ये अगर गाइडेंस सपोज नहीं मिलता और वो जो सेल रैंडमली मल्टीप्लाई होते तो शायद आप फुटबॉल होते, मैं वॉलीबॉल होता और कोई बास्केटबॉल होता, क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई होते होते एक राउंड शेप ले लेते, राइट? अब वॉलीबॉल बास्केटबॉल छोटा है लेकिन हम बड़ा बास्केटबॉल होते है ना, तो हमारा डिवीजन कैसे होता कि डॉक्टर रवि वैरागड़े इज मीडियम बास्केटबॉल, एक छोटा बच्चे इज छोटा बास्केटबॉल, एक सपोज एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इज अ बड़ा फुटबॉल,
तो सभी गोल गोल होना चाहिए था फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पार्ट्स बराबर से डेवलप होते हैं, हमारे ऑर्गन्स एक सीक्वेंस में डेवलप होते हैं, हर ऑर्गन डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस फिक्स होता है कि माँ के जब पेट में है तो एक महीने में कौन सी ग्रोथ होगी, दो महीने में कौन सी ग्रोथ होगी, चार महीने में कौन सी ग्रोथ होगी, पांचवें महीने में हम क्या उम्मीद करें, सातवें महीने तक क्या लेवल तक डेवलपमेंट होती है और उसके बाद भी कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, किसी की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, किसी की कम बढ़ती है, कोई मोटा ज़्यादा होता है, कोई दुबला ज़्यादा होता है, लेकिन सभी को दो आँख है, एक नाक है, एक मुंह है, उसमें 32 दांत है, उम्मीद करते कि सभी के 32 दांत है, दो कान है, बाल सर के ऊपर है, मूंछ आती है, कौन डिसाइड करता है सब ये, कहाँ से प्रोग्राम रहता है, वो सेल के अंदर प्रोग्राम होता है, राइट? तो वो जो सेल है, जो दो स्पर्म और ओवम एक एक मिलके सेल बना है, उसमें ये प्रोग्राम तो होना चाहिए पहले। तो अगर उसमें ये प्रोग्राम होता है तो वो प्रोग्राम किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है? जैसे आपको पता होगा कि सेल के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, राइट? सेल के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं फंक्शन से भी पहले, जैसे उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन उसमें सेल वॉल होती है, उसमें वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो है, ये प्रोग्राम कहाँ पे सेट होता है, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल के अंदर या न्यूक्लियस में? और उसमें भी न्यूक्लियस में तो फिर भी एग्जैक्टली उस पार्ट का नाम क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है कोडिंग, कहाँ रहता है प्रोग्रामिंग, इतने से सेल में जो एक सुई की नोक से कई गुना छोटा है, उस सेल में भी कोडिंग होता है, किस तरह का कोडिंग है ये? तो यहाँ है, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए के फॉर्म में कोडिंग होता है वो कहलाता है हमारा जेनेटिक कोड, और वो जेनेटिक कोड में सारे डायरेक्शंस फिक्स होते हैं कि ये गोरा होगा या काला होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, लंबा होगा, दुबला होगा, पतला होगा, मोटा होगा, जो भी है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारा लिखा हुआ होता है। इसके साथ साथ, इस नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स की टेंडेंसीज भी आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को सर्दी जल्दी हो जाती है। अब ये कहाँ से आती है? आप कहेंगे सर ये तो वातावरण से आती है। मैं कहूँगा वातावरण तो सबके लिए है। एक छोटा सा बच्चा है, कुछ बच्चे देखेंगे जन्म जैसे होता है छींकना शुरू कर देते हैं, सर्दी हो जाती है उनको, वो बाहर का एटमॉस्फेयर टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं। अब ये कहाँ से होता है? जब वो उनका जन्म होता है उनके भीतर में कुछ टेंडेंसीज आ जाती है। ये टेंडेंसीज कहाँ से आती है? आप दो बच्चों को लेके जाइए ठंडे मौसम में, एक को सर्दी हो जाएगी दूसरे को नहीं होगी। फिर वो दो बच्चों को गर्म मौसम में लेके जाइए तो जिसको पहले सर्दी हुई थी उसको नहीं होगी, अब दूसरे बच्चे को हो जाएगी। हर बच्चा, हर इंसान, हर बड़ा आदमी, हर लेडी कुछ ना कुछ जेनेटिक सेंसिटिविटीज लेके पैदा होती है या उसमें वो बाद में डेवलप होती है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे मैं जेनेटिक कहता हूँ बोलेंगे मेरे मम्मी पापा को तो नहीं था। तो दोस्तों जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड नहीं होता। जेनेटिक दो तरह के होते हैं, इनहेरिटेड और अक्वायर्ड। सो जेनेटिक मतलब सिर्फ इनहेरिटेड नहीं होता, जेनेटिक मतलब दोनों चीज़ें होती है, इनहेरिटेड चीज़ें और अक्वायर्ड चीज़ें। तो जीन्स में टेंडेंसी दो तरह से आती है, एक तो जीन्स में से आती है, जन्मजात आती है, हम जब पैदा होते उस समय आती है, या जिंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे जीन्स पे इफेक्ट करते हैं और उसमें बदलाव करते हैं। अब ये कौन से प्रॉब्लम्स है जो जीन्स में बदलाव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो जीन्स में बदलाव कर सकती है? ये कुछ तरह की मेडिसिन होती है, कुछ तरह की माइंड की सिचुएशंस होती है और कुछ तरह की बॉडी की सिचुएशंस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि कैंसर ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, ये साबित हो चुका है। लेकिन कैंसर का जेनेटिक म्यूटेशन होने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगा, और आज ये साबित हो रहा है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है ये माइंड और साइकोलॉजी पे कोई बहुत गहरा आघात पड़ने से, बहुत गहरा शॉक पड़ने से होता है। तो ये हो गया जीन्स में बदलाव किन कारणों से होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक किसी के फैमिली में, चलो हम पकड़ लेते हैं कि किसी के मदर की डेथ हो गई,
मदर की डेथ होने के बाद लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। इस पर्सन का रिस्पॉन्स अलग रहा, अभी इस पर्सन सोचा मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं जीके क्या करूं। जैसे इसके दिमाग में विचार आया मेरी जिंदगी खत्म हो गई अब मैं जीके क्या करूं, सिग्नल कहां गया? आपके साइकोलॉजी ने आपके न्यूरोलॉजी को सिग्नल दिया, आपके माइंड ने आपके ब्रेन को सिग्नल दिया कि अब जीके क्या फायदा। जैसे सिग्नल गया अब जीके क्या फायदा, माइंड ने वो सिग्नल पकड़ लिया और उसने ऐसे हार्मोन सीक्रेट किए, भाई इसको जीके का फायदा कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्शन वाले हार्मोन सीक्रेट करो। ये एक थॉट था, बड़ा सीरियस थॉट, बहुत पावरफुल इमोशंस लिए हुए था, नेगेटिव इमोशंस लिए हुए था, बट इसने माइंड को एक लेवल पे शिफ्ट कर दिया, एक लेवल पे चेंज कर दिया। अब ये जो सिक्रीशंस आएंगे और थॉट्स रहेंगे ये ग्रेजुअली जेनेटिक टेंडेंसी को चेंज कर देंगे, बिकॉज जेनेटिक टेंडेंसी का काम तो उस समय मारना नहीं था, उस समय कैंसर पैदा करना नहीं था, उसको तो नई ग्रोथ करना था, है ना, नई ग्रोथ करना था, नए सेल्स ईजाद करना था, लेकिन अब लगा कि जीके क्या फायदा, तो नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रीप्रोग्रामिंग द जीन्स। तो जीन्स को रीप्रोग्राम होते हैं साइकोलॉजी से, थॉट से, माइंड से। दूसरा कुछ तरह की मेडिसिन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ मस्कीटोज का, मच्छरों का। आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू में मच्छर काफी रहते हैं, तो आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ केमिकल स्प्रेस करता है, वो केमिकल स्प्रेस करता है ताकि मच्छर खत्म हो जाए, लेकिन मच्छर बड़े तेज होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, वो खुद के जीन्स में म्यूटेशन लाते हैं ताकि इस केमिकल का मुझ पर फर्क ना पड़े। आप पूछिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से, वो बताएंगे नहीं मच्छरों की स्ट्रेन बदल गई, उन्होंने अपने जीन्स को अंदर से चेंज कर दिया। मैं कहता हूँ मच्छर अपने जीन्स को अंदर से चेंज कर सकते हैं तो आप जैसे स्मार्ट इंसान क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमें टेक्निक मालूम होना चाहिए। तो ये टेक्निक, ये जैसे केमिकल्स को देख के जेनेटिक म्यूटेशन किया मच्छरों ने, वैसे ही कुछ केमिकल मेडिकेशन, स्ट्रांग मेडिसिन, एंटी कैंसर मेडिसिन, स्टीरोइड्स, ऐसे कुछ मेडिसिन है जो हमारे इम्यूनिटी को इतना कम कर देते हैं कि जीन्स के म्यूटेशन हो जाता है, जीन्स का सीक्वेंस चेंज होता है, या सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो जीन्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, सपोज चार फ्रेंड्स होटल में गए खाना खाने के लिए और वहाँ का खाना खराब था। क्या लगता है आपको, खाना खराब था, चारों फ्रेंड ने सेम क्वांटिटी में खाया, सब कुछ सेम खाया, सभी को उल्टियाँ होगी? यस, चलिए आपका आंसर वेट करता हूँ मैं। क्या सभी को उल्टियाँ होगी, या सबको लूज मोशन होंगे, या सबको पेट दर्द होगा, या सबको गैस्ट्रो होगा, या सबको भर्ती करना पड़ेगा, क्या होगा इन सबको? और क्या सबको एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? कम ऑन फ्रेंड्स, मिस्टर अरुण कुमार दुबे नमस्कार, शोभा फोमन जी हेलो, असया फिरदोसी गुड इवनिंग टू यू, ज्योत्सना रावत गुड इवनिंग। तो मुझे बताइए कि ये जो जीन्स, ये जो खाना खाया, सभी ने सेम खाना खाया, सेम क्वांटिटी में खाया, तो अगर खाना सेम, क्वांटिटी सेम, तो इफेक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन इफेक्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में हमारे इंडिविजुअल इंटरनल डिफरेंसेस अपना रोल अदा करेंगे, और एक को उल्टी होगी, एक को लूज मोशन होंगे, एक को पेट दर्द होगा, एक को गैस्ट्रो होगा, भर्ती करना पड़ेगा, और पांचवा अगर हो तो बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं हुआ यार, आप तो बड़े कमजोर हो, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैंने तो सब पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। सो इस तरह से सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे कि और एक एग्जांपल दूंगा मैं, अगर कुछ 10 फ्रेंड्स है जो अल्कोहल पीते हैं, रोज साथ में बैठते, महफिल जमती है रोज, रोज वो शराब पीते हैं एक साथ, सेम ब्रांड सेम क्वांटिटी, आप देखेंगे वो 10 लोगों को सभी को अलग अलग लक्षण आएंगे। सभी को लीवर सिरोसिस नहीं होगा, एक को लीवर सिरोसिस आएगा, एक को पंडु रोग हो जाएगा, एक को पीलिया हो जाएगा, एक को गैसेस का प्रॉब्लम बना रहेगा, एक को एसिडिटी हो जाएगी, एक को पाइल्स हो जाएगा, एक को अतरियों का कैंसर हो जाएगा, एक को सीधा ब्रेन पे असर आएगा, वो पागल हो जाएगा, वो उसको अलग अलग थॉट्स आएंगे, और लास्ट में एक बोलेगा या दो बोलेंगे अरे हमें को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसमें से एक ये भी बोलेगा मैं देखो तुम लोगों के साथ पीता था, उसके बाद घर जाके एक फ्रेंड और आता था उसके साथ फिर से डबल डोज देता था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कितने लोग बोलेंगे यहाँ पर कि अल्कोहल से सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन इसका मतलब ये ग्रीन सिग्नल नहीं है अल्कोहल लेने के लिए, अल्कोहल ने ट्रिगर किए सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन इसको शेप किसने दिया, कौन सी बीमारी आएगी ये डिसाइड किसने किया?
ये डिसाइड किया आपके अंदरूनी टेंडेंसी ने, आपके अंदरूनी जेनेटिक स्ट्रक्चर ने, आपके अंदर की जो कमियां है, आपके अंदर की जो इम्यूनिटी है, आपके अंदर के स्ट्रक्चर ने डिसाइड किया कि किस तरह से वो इस चीज को रिएक्ट करेगा और बीमारी आएगी डिफरेंट। तो आप इस तरह की कोई भी बीमारी ले लीजिए, आपको यही दिखेगा कि आपका जीन्स, आपकी अंदरूनी बनावट एक बड़ा अहम रोल अदा करती है और वो अहम रोल डिसाइड करता है बीमारी कौन सी होगी, न कि आपका अल्कोहल या न कि बैक्टीरिया, न कि स्मोकिंग, न टोबैको, न खाने में कमियां और ना ही सिर्फ और सिर्फ थॉट्स। नो, जीन्स का अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है और आज जो भी मेडिकल साइंस कर रहा है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, इसलिए आप देखेंगे कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। जितनी क्रॉनिक डिसीजेस है, जितनी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, एक भी बीमारी ठीक नहीं होती है, बिकॉज सभी बिजी है इफेक्ट को कम करने में। शुगर बढ़ गया, शुगर कम करो, कैंसर आ गया ट्यूमर काट दो, जॉइंट पेन आ गया तो जॉइंट पेन आ गया तो जॉइंट पेन का इलाज करो, सभी टेम्पररी मेथड्स में लगे हुए हैं, कंट्रोल हो जाता है, ठीक नहीं होता। लेकिन दोस्तों इससे मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, काफ़ी सारे उसके सोर्सेस है, मैं फिर से किसी इसमें बात करूँगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा समय तो काफ़ी है, चलो मैं अभी बात कर लेता हूँ। मिस्टर शशि कुमार सेज दैट मींस बॉडी प्रोसेसिंग डिफरेंटली फॉर ईच इंडिविजुअल लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। वेरी वेल सेड मिस्टर शशि कुमार। अभी इन्होंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का सब्जेक्ट निकाला, इट्स अ अमेजिंग सब्जेक्ट। अब मुझे बताइए आपकी आर्मी, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफेंस आपके खिलाफ क्यों हो गया, कोई तो रीजन होगा है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, राइट, जैसे कि कनपटी पे गन रख दिए क्यों। चलो एग्जांपल कर लेते हैं कि आपने कभी अपने कनपटी पे गन रख दिया, क्यों रखेंगे आप, मजाक में, खुशी खुशी ऐसे ही क्यों रखेंगे आप, कुछ तो रीजन होगा, राइट। वैसे ही जब ऑटो इम्यूनिटी आती है आपका डिफेंस आपके खिलाफ काम करता है, रीजन तो होगा, वो रीजन हो सकता है माइंड या हो सकता है जीन्स, या जीन्स को माइंड ने कुछ अलग तरह से शॉक में डाल दिया, शेक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो ये ऑटो इम्यूनिटी कुछ कारण लगेगा ट्रिगर करने के लिए, कोई ऐसा पैदाइशी तो नहीं होता, नहीं नहीं ये पैदा ही हुआ था पाकिस्तान की आर्मी के साथ, ऐसा कभी हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अपनी इंडियन आर्मी ने इंडिया पे अटैक कर दिया, कौन बचाएगा फिर, तो ऐसे कोई पैदा नहीं होता, ये इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने से होता है। अब इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने का कारण क्या है वो ढूंढना जरूरी है। जेनेटिक्स में तो लिखा हुआ है कि मेरी इम्यूनिटी मुझे प्रोटेक्शन देगी, राइट, जैसे भारत के देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेरी इम्यूनिटी, मेरी आर्मी मेरा प्रोटेक्शन करेगी, मतलब इंडियन आर्मी का पहला काम है इंडिया को प्रोटेक्ट करना, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक कोड में लिखा हुआ है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। फिर ऑटो इम्यूनिटी में ये चेंज क्यों आता है, यही तो प्रॉब्लम है। सभी लोग ऑटो इम्यून जैसे होता है स्टीरॉइड दे देते हैं, इम्यूनिटी को दबा देते हैं, तो आप इम्यूनिटी को दबा के ठीक नहीं हो सकते, टेम्पररी सॉल्व हो सकता है, राइट। सो देर आर सो मेनी सिचुएशन, ये शशि कुमार मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। सती राजेंद्रन जी का बड़ा अच्छा सवाल है, उसको जवाब देता हूँ मैं भी। एक यस मिस्टर राजेंद्रन, देर इज डेफिनेटली अ टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म। अगर आप किसी बहुत अच्छे होम्योपैथ को पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे ये टेंडेंसी के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है। सो एडिक्शन के लिए जेनेटिक टेंडेंसी भी रह सकती है, फैमिलियल टेंडेंसी रह सकती है, और उसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो अगर हम जेनेटिक और माइंड को रीप्रोग्राम कर सके
तो हम किसी अल्कोहल एडिक्शन वाले को बाहर निकाल सकते हैं। अब मिस्टर शशि कुमार का सवाल है, व्हाट मेड अवर इम्यूनिटी टू अटैक ऑन अवर सेल्फ। अब मैं नए सिरे से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपका आंसर चाहूंगा। मिस्टर शशि कुमार बी रेडी। आपकी इम्यूनिटी, शशि कुमार की इम्यूनिटी सबसे बेहतरीन लेवल पर कब होती है? जब वो बहुत खुश और हैप्पी है तब, या वो नर्वस और डिप्रेस है तब? हमारी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट कब होती है? हम खुश है तब, हैप्पी है तब, या निराश नर्वस और डिप्रेस है तब? इम्यूनिटी ज्यादा कब रहेगी, अच्छी कब रहेगी, और इम्यूनिटी कम कब रहेगी? चलो बताइए। नीलिमा माहौल, गुड इवनिंग, यू ज्वाइन लेट टुडे, इट इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक, पूरा देखिएगा आप ये। सो जब भी हम देखेंगे कि इम्यूनिटी हमारी सबसे बेहतरीन होती है जब हम खुश होते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, तब हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं घेर पाती, और जब नर्वस और सैड होते हैं तो सारी बीमारियां एक साथ आ जाती है। क्या यार, नर्वसनेस था कुछ दिन, उदास था मैं, लेकिन अभी देखो ना अचानक से बीपी बढ़ गया। भाई अचानक से नहीं बढ़ा है, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो आपकी डिसीजेस ऊपर आ रही है, बैक्टीरिया भी आपको इसी समय इफेक्ट करेंगे, राइट? सो अगर हम नर्वस और सैड है तो इम्यूनिटी लो है। अब मैंने दो ही चीज़ें ली थी, इम्यूनिटी हाई एंड लो, राइट? अब मैं तीसरी चीज लेता हूँ, अगर हमने इम्यूनिटी को शॉक दे दिया, एग्जाम्पल सडनली किसी को बिजनेस लॉस हो गया, किसी के फैमिली को डेथ हो गई, किसी की फैमिली डेथ मतलब दूर का नहीं कोई, नज़दीक का, दिल के करीब का डेथ हो गई, राइट? और किसी ने ऐसा मेडिसिन ले लिया जो जेनेटिक म्यूटेशन कर सकता है। आप देखेंगे कुछ केमिकल्स और कुछ ड्रग्स मेडिसिन ऐसे होते हैं, जैसे फॉर थैलिडोमाइड है, मेथोडिक्सेट है, ये जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, इम्यूनिटी को ऑटो इम्यून बना सकते हैं। आप देखेंगे एक और बहुत कॉमन कॉज जो ऊपर आ रहा है, काफ़ी सारे रिसर्च हो गए इस पर, अगर किसी ने इंटेस्टाइन में का नॉर्मल बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर दिया तो ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वह नॉर्मल बैक्टीरिया आपके सेफ्टी के लिए है। हम जब बहुत एंटीबॉडी खाते हैं तो नॉर्मल बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, और इससे ऑटो इम्यूनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो मैं इस पर अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगा ऑटो इम्यूनिटी पे, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है ऑटो इम्यूनिटी के, जब इम्यूनिटी को हम शॉक देते किसी भी तरह का तो इम्यूनिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन, कुछ और केमिकल्स, कुछ और रीजन से, एंड ये ऑटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे सर ये ऑटो इम्यूनिटी कन्वर्ट हो गई, अब तो ये हमारी दुश्मन बन गई, फिर स्टीरॉयड तो सही इलाज है, क्योंकि दुश्मन को तो सप्रेस करने का हक बनता है हमारा, राइट? इम्यूनिटी हमारी फ्रेंड थी, अभी दुश्मन बन गई, उसको सप्रेस करना ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ देर के लिए ठीक है, कुछ समय के लिए, लेकिन अगर इससे बेहतर इलाज हो, हम इम्यूनिटी को रिवर्स अगर कर सकते हैं फ्रेंडली इम्यूनिटी में, तो वो ज़्यादा बेहतर इलाज है। स्टीरॉयड इज अ टेम्प्रेरी सॉल्यूशन फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम, इफ यू कैन रीप्रोग्राम जीन्स इट विल बी अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है। जैसे जीन्स अपने आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो वैसे हम जीन्स को जानबूझ के करेक्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स आ गए हैं, उसके हम यूज़ करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। मेथड्स में सिंपल माइंड हैक्स होते हैं, कुछ माइंड के कॉन्स्टेंट अप्लीकेशन से हम जीन्स में चेंजेस ला सकते हैं। कुछ टेक्निक्स है, कुछ हीलिंग मेथड्स है, कुछ हीलिंग मेथड्स, एनर्जी हीलिंग मेथड्स है, कुछ NLP मेथड्स है, कुछ माइंड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, इस विजुअलाइजेशन से, इससे हम अपने माइंड पे निरंतर काम करके जीन्स के एक्सप्रेशन में बदलाव ला सकते हैं। एक और सवाल मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर जीन्स के एक्सप्रेशन मतलब में जीन्स बदल जाते हैं क्या? जीन्स का स्ट्रक्चर बदलेगा ज़रूर नहीं है, बट जीन्स के एक्सप्रेशन ज़रूर चेंज हो सकते हैं विदाउट चेंजिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर, और हमें तो वही चाहिए, राइट? एक और सवाल, बट अप एंड डाउन आर कॉमन इन लाइफ, हाउ टू सेफ गार्ड अवर इम्यूनिटी देन? मिस्टर शशि कुमार, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको ये देखना है क्या आप थर्मामीटर है जो वो अप एंड डाउन के साथ आप भी अप एंड डाउन हो रहे हैं? अगर हमने ठान लिया तो
तो हम अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं कि इन अप एंड डाउन से हमें फ़र्क नहीं पड़े या कम फर्क पड़े। तो हम ऐसे मेथड अगर यूज़ करते हैं जिससे अप एंड डाउन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा या कम फर्क पड़ेगा, तो हम इससे बचे रह सकते हैं। इसलिए हमने ट्रीटमेंट प्लान में आप देखेंगे कि हमने अप एंड डाउन से आपको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में कुछ हम ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, कुछ हम आपको अफर्मेशंस देते हैं, आपके माइंडसेट को अलग लेवल पे लेके जाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम करते हैं, और फिर इसके बाद अप एंड डाउन आप पे बुरा असर नहीं डाल पाएंगे और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी। इज देयर अ क्योर फॉर ल्यूपस? यस, देयर इज अ क्योर फॉर ल्यूपस। इट इज अगेन वन ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड देयर इज अ क्योर फॉर ल्यूपस। होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और एक बार अगर ये टेक्निक्स भी पता है आपको कि जीन्स को किस तरह से रीस्ट्रक्चर रीप्रोग्राम करना है, तो फिर मेडिसिन का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो वी यूजुअली डू द कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर भी नहीं करते हैं और एक दूसरे को बूस्ट करते हैं नए लेवल पे ले जाकर हीलिंग के लिए। सो यस मिस्टर सती राजेंद्रन, देयर इज अ ट्रीटमेंट, राइट? रीता वर्मा सेज गुड वन। थैंक यू रीता वर्मा, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं इस लाइव को यहीं पे ख़त्म करूँगा। एक दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलूँगा ख़त्म करने के पहले। बीमारियों के पीछे जीन्स ज़रूर है, राइट? चाहे कोई भी बीमारी हो आपके, उसके पीछे जीन्स का कोई ना कोई हिस्सा होता है, कोई ना कोई टेंडेंसी काम करती है। बिकॉज जीन्स आपके घर के अंदर के बॉस है। जीन्स ने परमिशन नहीं दी तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर। एक दूसरा, अगर जीन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं तो जीन्स रिस्टोर भी हो सकते हैं। अगर जीन्स शॉक में जाके कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकते हैं तो उसे दूसरे किसी शॉक से हम कम्प्लीटली नॉर्मल ला सकते हैं, या नॉट ओनली शॉक और कुछ टेंडेंसी से हम नॉर्मल ला सकते हैं। तीसरा क्या है, इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है? यस, इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है और टेक्निक्स भी अवेलेबल है। तो क्या कोई भी बीमारी के बेस्ट इलाज में जीन्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जीन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आपका इलाज संपूर्ण नहीं होगा और रिजल्ट भी पूरी तरह से नहीं मिलेगा। मिस्टर रीता वर्मा सेज कैन वी टेक विटामिंस? सी रीता वर्मा, विटामिंस अगर ज़रूरत है तो लेना ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल विटामिन सप्लीमेंट से ज़्यादा बेहतर है आप नेचुरल नेचर में से विटामिन्स खाए, फ्रूट्स में से ले, सलाद में से ले, कच्ची रॉ वेजिटेबल्स खा के ले, वो लेना आपके लिए ज़्यादा अकलमंदी का डिसीजन रहेगा। बिकॉज जब भी आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो विटामिन ए हो या बी हो, उसके साथ में उसके केमिकल्स जाते हैं जो उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, उसके कलर एडिट्यूड्स जाते हैं जिसमें अपने आप में कैंसर बनने की, कैंसर को तैयार करने की टेंडेंसीज है। तो विटामिन सप्लीमेंट्स कम से कम यूज़ करें, कोशिश कीजिए कि नेचुरल विटामिन से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, राइट? मिस्टर शशि कुमार सेज हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिवर्स वीक इम्यूनिटी टू स्ट्रॉन्गर साइड? अ वंडरफुल क्वेश्चन अगेन। एकदम मैं बहुत सीधा सीधा आंसर दूँ तो एक दिन में भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है, कुछ लोगों को एक साल भी लग सकता है। ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, या उसके इम्यूनिटी पे कितना अन्याय हुआ है। अन्याय मतलब अगर आपने बहुत सारे मेडिसिन खाई है, बहुत सारे एंटीबॉडीज लिए हैं, बहुत सारे आपका एक्सरेज और स्कैन्स हुए हैं, एक बताना रह गया, एक्सरेज और स्कैन से भी आपकी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है, राइट? तो बहुत सारे एक्सरेज स्कैन्स हुए, मेडिसिन खाए, एंटीबॉडीज लिए, स्टीरॉइड्स लिए है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा क्रश्ड है, ज़्यादा समय लगेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा फ़र्क है तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है। हमने एक दिन में भी फ़र्क पड़ते देखा है काफ़ी सारे केसेस में, जहाँ सिर्फ इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजीज नहीं है, तो एक दिन में फ़र्क पड़ते हुए काफ़ी सारे केसेस देखे हमने, राइट? सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। इसके बाद भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ लोग बाद में देख पाते हैं, लाइव देख नहीं पाते, और कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपको पसंद आ गया, आपने शेयर कर दिया, तो ये लाइव वीडियो बाद में देखते हैं, तो आप उसके बाद भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं या मेरी टीम जवाब ज़रूर देंगे आपका। थैंक यू, धन्यवाद।